कल तीन टॉपिक ही पढ़े थे हमने, छोटे छोटे थे, ज्यादा बड़े थे नहीं। एक तो ये मत चक्र की बात की थी हमने, जिसमें अलग अलग जंतुओं का, पशुओं का ही आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब इसमें मत चक्र इतना ही नहीं है, ये बस मैंने आपको दिन बताए, उसके अंदर यहाँ पे मत चक्र है वो आपके कितने दिन के अंतराल में होगा। तो गाय भैंस घोड़ी और सुअर इन चारों का साथ में याद रखना, आपको कितने दिन का होता है इसमें, 21 दिन का होता है। फिर अगला है यहाँ पे बकरी का, ये कितने दिन का होगा, 20 दिन का। और एक जो भेड़ का है वो आपके 16 से 17 दिन, आप इसमें याद रखना। और एक हमारे पास में यहाँ पे कुतिया का, ये आपके साल में कितनी बार होगा, यहाँ पे 2 बार। मद चक्र मैंने कल बताया था, जैसे मानव के मादाओं के अंदर जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल 8 चक्र होता है जनन के लिए, और उस समय अगर यहाँ पे मैथुन की प्रक्रिया इनके अंदर की जाएगी तो इनके अंदर यहाँ पे प्रेगनेंसी हो पाएगी या फिर बच्चे का निर्माण हो पाएगा, तो वो आपके इसके अंदर मत चक्र होगा। पशुओं के अंदर मत चक्र बोलते हैं और मानव के अंदर, मादाओं के अंदर, फीमेल के अंदर हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल या 8 चक्र बोलते हैं। इस मद चक्र के दौरान ये जो मैंने 21 दिन 20 दिन 23 दिन यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे टोटल, तो इसके अंदर 21 दिनों के अंतराल के अंदर आपको बोलन के भी भैंस बोलन लागी, ठीक है, तो एक टाइम पीरियड होगा, वो टाइम पीरियड भी हम देखेंगे भी 21 दिनों में से आपके कितने दिन या कितने घंटे भैंस बोलेगी या गाय बोलेगी। और उस टाइम जब गाय बोलती है या भैंस बोलती है, अब नए नए जो पशुपालक होता है, गाय भैंस बोलती है, बोलते अरे भैंस रे कहीं हुई कर या गाय रे कहीं को, पद भी कहीं करना पड़े, या तो सांड गाय है तो सांड के पास ले जाना पड़ता है, या डॉक्टर को बुलाकर उसका कृत्रिम वीर्य सेचन करवाना पड़ता है। और कृत्रिम वीर्य सेचन के अंदर आप खुद नहीं करोगे, वहां पे ये मत सोचो कि आपको करना पड़े, नहीं कि लाठ ठोक दे के करा नौकरी आपको, बस आप यहाँ पे एनिमल अटेंडेंट, मतलब आपको यहाँ पे सहायक के तौर पे कार्य करना है। आपको खुद को इंजेक्शन नहीं देना पड़ेगा, आपको साइड में खड़ा रहना पड़ेगा, जो भी सामान है वो उसको पकड़ाना पड़ेगा और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे मत चक्र का मतलब भी इस चक्र के दौरान या इस टाइम पीरियड के दौरान अगर इनमें निश्चन की प्रक्रिया करवाई जाती है या फिर आपके कृत्रिम वीर्य सेचन करवाया जाता है, वो पढ़ेंगे हम पूरा प्रजनन चक्र, तो उस समय इनके अंदर यहाँ पे क्या हो सकता है, आपके प्रेगनेंसी के या फिर बच्चे का निर्माण होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, वो होता है यहाँ पे मत चक्र। और मत चक्र के बाद में हमने जो नेक्स्ट पढ़ा था वो पढ़ा था इसके अंदर आपके गर्भकाल। गर्भकाल के अंदर एक तो हमने डॉग का आपको ध्यान में रखना है, 2 महीने और 2 दिन। सुअर है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 3 महीने 3 सप्ताह और 3 दिन। फिर अगला थर्ड नंबर पे आपके भेड़ और बकरी का 7 याद रखो, और इन दोनों को मिलाते हैं तो टोटल 5 होते हैं, मतलब 5 आपके अक्ष हो गए, तो 5 महीने और कितने दिन हो गए 5 दिन। तो बकरी में तो बढ़ाना है आपको 5 दिन ज्यादा करना है, और आपके भेड़ में क्या करना है, 5 दिन कम करना है। इसके बाद में गाय का याद रखना आपको 9 महीने और 9 दिन, गाय के बाद में भैंस का 10 महीने और 10 दिन, फिर आपके 11 नंबर सॉरी आपके घोड़ी का हो जाएगा यहाँ पे 11 महीना और 12 वापण हो गए, और 13 की कूदी आट है ऊंटनी को, और ऊंटनी में आपके 13 महीना और कितने दिन हो जाएंगे यहाँ पे 13 दिन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको टोटल आपको गर्भकाल यहाँ पे याद रखना। इसके बाद में कुछ पशु गणना के मैंने आंकड़े बताए थे आपको, उस पशु गणना के आंकड़े के अंदर जो लेटेस्ट है अभी वो आपके 20वीं पशु गणना है यहाँ पे, उसके 19वीं पशु गणना, तो उसमें आपकी पशु गणना के अंदर हमने 2019 में 20वीं पशु गणना तो सबसे पहले स्टार्ट कब हुई थी, 1951 के अंदर। अब इसमें यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि भी सबसे पहले हमने देखा था गाय का, तो गाय में हमने पढ़ा था भी 13 नहीं है तो मतलब 13.9 मिलियन। फिर दूसरा हमने पढ़ा था यहाँ पे भैंस का होता है 13.7। भैंस के बाद में आता है भेड़ का, तो गाय और भैंस का याद है तो 7.9 मिलियन। और उसके बाद में अगला जो चौथा पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बकरी का, वो आपकी कितना होता है 20.8। अब राजस्थान का स्थान देखे भी इनकी दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप बकरी का ध्यान रख लो भी 1 नंबर पे, और इसके बाद में आप 2nd नंबर पे जो हमने भैंस का पढ़ा था तो दूसरे स्थान पे, भैंस के नीचे आपके कौन सा था भेड़, तो वो आपके 4th स्थान पे, और गाय की दृष्टि से कौन सा स्थान होता है, यही तुमने पढ़ा था। आज मैं एक पशु को आपको वैज्ञानिक नामकरण बता रहा हूँ, वैज्ञानिक नाम बता रहा हूँ, उस वैज्ञानिक नाम से बहुत सारी डिटेल हमारे सामने आएगी, भी क्या क्या डिटेल उनकी यहाँ पे रहने वाली, तो वो डिटेल हमें पढ़नी पड़ेगी।
वैज्ञानिक नाम देख रहे हैं, ठीक है ना, पशुओं के जितने भी हैं इंपॉर्टेंट उनके वैज्ञानिक नाम मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सा आपको याद रखना है। वैज्ञानिक नाम में पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, आप अपने आप बता दो कि सर ये वैज्ञानिक नाम इसका है, ये वैज्ञानिक नाम इसका है, चाहे आपकी पढ़ा हुआ ना। जैसे मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं यहां पे, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। देखो एक बार मैंने चार लिखे यहां पे, सबसे पहले देखो यहां पे केनिस फैमिलियरियस। अब आपको देखो केनिस यहां पे लगभग नाम है ना सेम, तो कभी मिलेंगे नहीं, और ऑप्शन के अंदर भी ऐसा नहीं देंगे आपको भी आपके केमेलेस या रामजीवन नाम जोड़ के ला रहे, या फिर सस डोमेस्टिकस, ये ऐसे नाम ही देंगे, या नहीं भी आपके आपके सस राजीव नाम दे दियो या सस राहुल नाम दे दियो, नाम तो अलग ही मिलेगा ना साइंटिफिक नेम, मतलब वो साइंटिफिक नेम ऐसा नहीं कि आपको केमेलेस दे दिया और पीछे यहां पे ड्रोप्स सोमेटेरियस दे दिया, वो नहीं देगा, पूरा नाम मतलब देगा, साइंटिफिक नेम देगा तो आपको वैज्ञानिक नाम अलग अलग पशुओं का देगा। अब उसमें से हमें ये पता लगाना कि ये नाम आपके किसका होगा। आप देखो ये किसका है बताओ, ऊंट है ना, पता चल जाएगा। अब वो ऐसा नहीं कि एक जगह से जोड़ दिया तो अलग अलग ऑप्शन दे देगा, कि मैं एक जगह पे जोड़ दिया, वो नहीं, पूरा नाम देना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा ये किसका, किसका भैंस का, बफेलो, बुबेलस, याद है। और थोड़ा बहुत भी आपको ऐसा थोड़ी भी वहां पे खाली जगह भरनी पड़ेगी या थ्योरी लिखनी पड़ेगी पूरी, ऑप्शन तो रहेंगे आपके पास में सामने, ऑप्शन ही तो भरना होगा। ये आपके रूट का है, ये भैंस का है। अब सस यहाँ पे डोमेस्टिकस, अब सस से आपको याद रखना है सुअर का, बाकी वो किसी का कैसे स्टार्ट नहीं होगा देखना, इसका होगा यहाँ पे सुअर का। कैनिस फैमिलियस, अब फैमिली क्या हमारे यहाँ पे, और गाय गाय तो मतलब सबके होगा। अब फैमिली टाइप का कोई जानवर, कुत्ता, बिल्कुल सही है, पाला जाता है सब। तो यहाँ पे फैमिली के का मतलब होगा या फिर भी नॉर्मली याद रख सकते हो इसको यहाँ पे कि फैमिली के टाइप में जो आपके पालतू पशु के रूप में जिसको हम पाल सकते हैं यहाँ पे, तो वो कौन सा होगा, कुत्ता। तो ये कुत्ते का हो जाएगा, ये मुर्गा हो जाएगा, ये कुत्ता। अब देखो यहाँ पे एक मैं गाय का और बता रहा हूं आपको, किसी भी नाम के पीछे अगर इंडिकस नाम आता है ना, इंडिकस, पहली बात तो वो भारतीय जाति होगी, ठीक है, जैसे कि एपिस इंडिका किसका नाम होता है पता ही है, मधुमक्खी का, एपिस इंडिका, तो ये भारतीय मधुमक्खी होती है। या किसी नाम के पीछे आपके डोमेस्टिक नाम आता है, डोमेस्टिकस, आपने फ्लाइट के अंदर देखा होगा इंटरनेशनल फ्लाइट और डोमेस्टिक फ्लाइट, इंटरनेशनल का मतलब जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, और डोमेस्टिक मतलब हमारे देश में चलने वाली, तो डोमेस्टिकस या डोमेस्टिक कहीं पर भी नाम आता है इसका मतलब वो घरेलू है ही, मतलब उसको पाला जाता है। अब इसमें यहां पे देखो गाय हमारी क्या है, माता है, गौशालों की जगह मोटो मोटा पणगने बॉस आलो, तो गाय वैज्ञानिक नाम में पहला नाम कहीं आई, बॉस, बॉस इंडिकस, पहला नाम कौन सा आएगा। अब उसमें भी दो अलग अलग जातियां, देखो नाम याद करने ज्यादा है नहीं, बस लास्ट हमारे सात आठ या नौ होंगे नाम, उनको याद करने का तरीका देखना है।
बाकी आप चीजें रटो तो चाहे कितनी भी रट लेना, आप उनको याद होने वाली नहीं, बार बार पढ़नी पड़ेगी फिर वो रटी हुई चीज तो। और ये डायरेक्ट आपके सामने आएगा ऑप्शन तो आपको पता लग जाएगा कि ये वैज्ञानिक नाम इसका है। गाय के अंदर दो अलग अलग है, एक तो विदेशी नस्ल है और एक भारतीय नस्ल है। तो भारतीय नस्ल मैंने कहा था भारतीय के लिए हमेशा नाम के पीछे क्या जुड़ेगा, इंडिकस। और एक आपके स्टार्टिंग में नाम क्या जोड़ना है, बोस। थोड़ा बहुत मैं आपको और बताऊं वैज्ञानिक नाम के बारे में। ये पहले जो नाम है हमेशा वैज्ञानिक नाम के अंदर दो शब्द होंगे अलग अलग, है शब्द के अंदर चारों के अंदर। पहला नाम किसको बताया, बता सकते हो क्या, वंश को। और दूसरा किसको बताया, तो वैज्ञानिक नाम याद है तो आपको दो चीजें और याद हो जाएगी, एक तो उसका वंश याद हो जाएगा और एक उसकी जाति क्या हो जाएगी आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो याद रहेंगे आपको, तो आप हेडिंग डालो विभिन्न जानवरों के वैज्ञानिक नाम, विभिन्न जानवरों के वैज्ञानिक नाम। और ये जो मैंने लिखे हैं चारों, ये एक बार आप लिखो साथ में। अभी कुत्ता का मैंने लिखा है, समान कौन है सर, कुतिया का क्या होगा, सेम ही तो होगा। मानव का होमो सेपियंस है तो आपको आदमी रू थोड़ी है या लुगाई को थोड़ी है, दोनों तो को सेम ही तो है ना। ये होगा आपके सुअर का और ये होगा भैंस का, आई मीन पाटार पाटी रगड़ी है जी, ऐसा नहीं भी अलग से होगा उनका। दिखाई दे रहा है ना क्लियर है, देसी नस्ल जो भारतीय नस्ल है वो तो बोस इंडिकस है, और विदेशी नस्ल कौन सा है, बोस टॉरस। अंदर जानते हो दोनों के अंदर क्या होता है, कोई भी गाय है उस गाय के अंदर ऊपर ये हम जिसको हम कहते हैं थुई उबड़, अच्छा ऊपर बन गए क्या, ये आपके इसको उबड़ कह सकते हो या हम्प कह सकते हो या थुई कह सकते हो। अगर ये उपस्थित है हम्प तो ये तो कौन सी होगी आपके देसी। और अगर यहां पे ध्यान में रखना चौरस मतलब एकदम सीधी है वो आपके कौन सी हो जाएगी यहां पे विदेशी नस्ल, तो चौरस को याद रखना आपको टोरस, चौरस है तो वो कैसी है टोरस याद रहेगा, मतलब विदेशी नस्ल के अंदर आपके थुई नहीं होगी वो चौरस रहेगी, तो चौरस याद रखना आपको टोरस। तो विदेशी नस्ल का नाम क्या है यहाँ पे बोस टोरस, और देसी नस्ल का नाम है यहाँ पे बोस इंडिकस। तो गाय हमारी बोस है और हमको सब कुछ आता है या नहीं आता है, आता है नहीं आता नहीं, बकरी। अब देखो बकरी का कैसे याद है, ये लिखो एक बार साथ बकरी का बता रो, ऊपर वाले लिख लिए ना, अभी चुनाव से पहले आचार संहिता लगी हुई थी उसके अंदर कोई प्रचार तो नहीं कर सकता ना, लेकिन आपने फिर भी अशोक गहलोत का प्रचार देखा होगा बकरी की अवाड़ो बांधी ओढ़ रहे हुए है ना, उसको देखो पशुपालन विज्ञान पढ़ रहे तो है ना नहीं है। अब मान लो थांगन कोई आएगो आदमी देखो भाई मार भैंस ब्यावे को नहीं कर अवाड़ो कौन करे, देख रहा सो कहीं भी ने दाद गाट बटे रे तो डम लूटो कहीं
बहुत जाता रहे पहले ही था। यहां पे पशुपालन की भाषा में उसको हम कहते हैं अवाड़न, मतलब अयन क्या करो अयन। वो हमें कुछ शब्द है वही याद रखने पड़ेंगे, यान ऑप्शन, बट अवाड़ नाम को ना बरीक समय अयन नाम आएगा। वो सारे मतलब आगे पड़ेंगे धीरे धीरे, आपको महीने भर में आपको पता चलेगा। तो बकरी कपड़ों तो बांधो ना है, तो आप ऐसा समझो कि जो बकरी है उस बकरी को कपड़े पहनाए हुए। अब अंग्रेज लोग कपड़ा नहीं कहेंगे कपड़ा, ऐसे तो कहेंगे ना कैपरा। और कपड़ा कौन लेके आएगा उसके लिए, कोई हीर रांझा होगा वही तो लेके आएगा। तो आपको बकरी का वैज्ञानिक नाम मतलब देखो याद आ जाएगा ये बताने से, बाकी आप कैसे भी पढ़ लेना वो आपका तरीका है। बकरी का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो होगा कैपरा हिरकस, कैपरा हिरकस। तो बकरी से याद आना, बकरी को कपड़े पहनाए हुए हैं किसी हीर रंजा ने पहनाए हैं, तो कैपरा हिरकस। कैपरा हिरकस। ये ऊंट का लिखा है ना मैंने आपको, इस ऊंट के आगे कोष्टक में आपको लिखना है यहां पे एक कुबड़ वाला, एक कुबड़ वाला। ऊंट के कोष्टक में लिख लो आप एक कुबड़ वाला। अब यहां पे ऊंट का और लिखवा रहा हूं, लेकिन उस ऊंट के अंदर कितने यहां पे कुबड़ होंगे, दो। कैमेलस बैक्ट्रिनेस, 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 ये है ये। एक कुबड़ वाला और दो कुबड़ वाले दोनों अलग अलग ध्यान में रखने हैं आपको। दो कुबड़ वालों का कैसे याद रखोगे, कैमेलस कैमेलस तो सेम है ना दोनों में, लेकिन यहां पे क्या रहा है एबीसीडी में ये कितने नंबर पे आता है, दो कुबड़ वाले, ठीक है। एबीसीडी बोल जो आगे किसी आई नंबर लगा तो याद रहती, पाची लारू काउंट करनी पड़े एबीसीडी एफ जी एच। सुअर का लिखिया, मुर्गी का, मुर्गी में आपको याद रखना मुर्गी गेल ली है, मुर्गी क्या है गेलस डोमेस्टिकस, मुर्गी गेल ली थांका अलग है गेलस डोमेस्टिकस। कितने हो गए, आठ हो गए, याद रहेंगे ये। अभी मैं वापिस ऑप्शन सिक्यूशन पूछूंगा आपको, अब आगे दो बता रहा हूं मैं। खच्चर नाम सुना है, किस किस से बना होता है, ठीक है। अब इसमें ध्यान में रखना दोनों की जातियां क्या है, अलग अलग जाति अलग अलग है ना। आपके जो गधे का नाम लिखूंगा तो उसके अंदर वंश का पहला नाम तो सेम ही आएगा ना, जाति का नाम दोनों के अंदर क्या होगा अलग अलग होगा। यहाँ पे तो सबसे पहले आपको इसमें लिखना है यहाँ पे घोड़ी का, और सेकेंड नंबर हो जाएगा यहाँ पे गधा। इक्वस, केबेलस,
इक्वस एसाइनस, आप जोधपुर की तरफ जाओगे या जयपुर की तरफ जाओगे तो सवारी गाड़ी के तौर पे आपको घोड़े मिलेंगे ना आगे। तो आपने कैब और ओला उबर का नाम सुना होगा। कैब, कैब ओला उबर का मतलब जो ऑनलाइन है बाइक बुक करने वाले या ऑटो बुक करने वाले, तो कैब वो भी आपके सवारी वाले हैं। घोड़ी का हो जाएगा इक्वस केबेलस और गधे का हो जाएगा यहाँ पे इक्वस एसाइनस हो जाएगा। और इन दोनों के संकरण से किसका निर्माण होता है, आपके खच्चर का निर्माण होता है। वो आगे हम प्रजनन या संकरण की विधि के अंदर पढ़ेंगे किस प्रकार से किया जाता है। लिख लिया ये। अगला इसके अंदर आपको लिखना है क्या आएगा जे के बाद में, गिनती लिख तो सही रहे तो फायदो, ठीक है। इसके बाद में आपको देखो भेड़ का नहीं बताया क्या, देखो भेड़ का कल हमने भेड़ का गर्भ काल पढ़ा था, वो तो मद चक्र होता उसमें 16 से 17 दिन। गर्भकाल की बात करूं 5 महीने 5 दिन मतलब लगभग आपके 150 से 155 के बीच में बताया था। अब यहां पे देखो भेड़ है ना, इस भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपके लगभग दोनों अक्षर है स्टार्टिंग में वो सेम ही होंगे इसके अंदर, ओविस एरिस, ओविस एरिस, ओविस एरिस, ये भेड़ का हो जाएगा, भेड़ का वैज्ञानिक नाम। 11 हो गए टोटल, बस 11 ही इसमें याद रखने। एक बार सबसे पहले देखो वापिस एक बार आप याद करने की कोशिश करो। सबसे पहले एक कुबड़ वाला जो ऊंट है और दो कुबड़ वाले ऊंट है, दोनों के अंदर केमेलस नाम तो मिलेगा, दो कुबड़ वाले के अंदर बेस स्टार्ट होगा दूसरा जो अक्षर है, याद हो जाएगा वो तो ऐसे। एक इसके अंदर आप सुअर का याद रखो, कैसे याद होगा, सेम ही अक्षर मिल रहा है इसके अंदर। बकरी का याद करना है तो केपरा, वो याद हो जाएगा इसमें। भैंस का इसमें बुबेलस और बुबेलस बफेलो से याद रख सकते हो। फिर गाय है, गाय हमारी बॉस है तो भारतीय या देसी जाती है वो तो इंडिकस, और आपके जो विदेशी नस्ल हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, आपके टोरस। टोरस के अंदर ध्यान में रखना थुई या हंप नहीं होगा, ये पूछा जा सकता है ध्यान में, लेकिन जो भारतीय है या आपके बॉस इंडिकस है उसके अंदर थुई या हंप होगी। फिर नेक्स्ट बकरी का देख लिया, मुर्गी गेली है, याद हो जाएगा गेलस। पूरा नाम याद मत करो, आप कोशिश मत करो भी पूरा नाम याद करना, लिखना थोड़ी आपको वहां पे ऑप्शन ही तो सही करना है, थोड़ी प्लेट ही तो करानी बट, तो ये बात सिर्फ इसका मतलब लिंक कर लो थोड़ा बहुत आपको याद आ जाएगा वहां पे। फिर आपके घोड़ी का और एक किसका है यहाँ पे गधे का, अब संकरण से कच्चर तो बनाते लेकिन इसमें ध्यान रखना वंश दोनों का सेम है, जाति दोनों की क्या है अलग अलग है। इसमें आपके कैब बुक करते हैं तो इसका मतलब सवारी बुक, सवारी के लिए तो बुक करते हैं, तो सवारी के लिए यहाँ पे घोड़ी ध्यान में रखना, और एक इक्वस यहाँ पे एसाइनस ये कौन सा हो जाएगा आपके गधे का, और भेड़ का अलग से याद रख लेना यहाँ पे ओविस एरिस हो जाएगा याद। अब किसी का भी आपको वंश पूछे तो बता सकते हो ना, और किसी की भी जाति पूछे तो बता सकते हो ना, क्योंकि ये वंश होगा ये जाति होगा। मतलब हमेशा वैज्ञानिक नामकरण के अंदर आप ध्यान में रखना कि जो वैज्ञानिक नाम होते हैं उन वैज्ञानिक नाम के अंदर, वैज्ञानिक नाम जैसे कि आपके मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मेंडल ने प्रयोग किया था ना, पायसम सेटायम होमो सेपियंस मेजिफेरा इंडिका, ये आम का, मस्का डोमेस्टिका आपकी घरेलू मक्खी का, ट्रिटिका मेस्टियम ये आपकी गेहूं का, तो ये हमेशा दो शब्द होते हैं। तो दो शब्द होते हैं तो पहला शब्द होगा वैज्ञानिक नाम के अंदर जो पहला शब्द होगा वो पहला शब्द हमेशा किसको बताएगा, आपके वंश को, और वंश को इंग्लिश में यहाँ पे जीनस कहेंगे,
और वैज्ञानिक नाम के अंदर जो दूसरा शब्द होगा ना, वो दूसरा शब्द किसको बताएगा यहां पे, जाति को बताएगा, स्पीसीज कह सकते हैं। ये दोनों और आप लिख लो नीचे, वैज्ञानिक नाम याद रहेगा। तो पूरा वैज्ञानिक नाम ना पूछते आपको वंश या जाति का नाम दे सकता है वहां पे। अभी तक कितने टॉपिक क्लियर किए हमने, चार टॉपिक नहीं, वो जनरल इंट्रोडक्शन है, याद रखना आपको। पहला हमने मध्यकाल मध्य चक्र से याद रखा, दूसरा हमने गर्भकाल का पढ़ा था, तीसरा पशु गणना से रिलेटेड हमने नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और ये चौथा आपके वैज्ञानिक नाम। क्या लगता है आपको क्वेश्चन आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा, तीन चार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें से आपको, ये अगर सारी चीजें क्लियर है तो। नॉर्मल हल्के में नहीं लेना है। इस पशुपालन को आपको लेकर भी नहीं बैठना, भी एक घंटा तक पढ़ना आज, आप सिर्फ इसको सुबह 10 मिनट, दोपहर में 10 मिनट और रात को सोते टाइम 10 मिनट पढ़ लो, चीजें आपके माइंड में रहेगी और थोड़ी बहुत चीजें लिंक रहेगी माइंड में, ये चीज इससे रिलेटेड है। चले आगे, अब देखो यहां पे हमारे पास में जो सबसे पहले इसमें गाय के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, गाय से रिलेटेड कुछ कॉमन वर्ड है उनको हम याद रखने की यहां पे कोशिश करते हैं, कौन कौन से वर्ड है यूज लिए जाते हैं। अब जैसे कि पशुपालन के अंदर हम यहां पे जैसे कि हम सांड बोलते हैं, तो वो हम पशुपालन में सांड वर्ड यूज ना लेकर उसके लिए बुल वर्ड यूज लेंगे। क्या वर्ड यूज लेंगे? बुल। तो ऐसे कुछ वर्ड है वो हमें याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि आपके गाय का जो नवजात बच्चा होता है उसको हम काफ कहते हैं, यहां पर भी टोगड़ियों के दाग, टोगड़ो के दाग, वो यहां पे नहीं बोलना है, वो आपको काफ ही बोलना है, ठीक है ना। तो कुछ वर्ड है वो अपन ध्यान आऊंगा, लेकिन वो वर्ड भी आपको मैं ऐसे रिलेट करके बताऊंगा कि आपको वो याद हो जाएगी। तो आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है यहां पे, पहली बात हो गाय से संबंधित शब्द, मतलब गाय का जो सुंग है उनसे या फिर गायों के परिवार से रिलेटेड। गायों के परिवार को एक बात और ध्यान में रखना, यहां पे केटल कहते हैं, गायों का जो भी परिवार होगा उसको क्या कहेंगे? केटल कहेंगे, CAETLE। अब क्या इस केटल के अंदर बकरी भेड़ वो भी आएंगे क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसका ध्यान में रखना है? गाय। या फिर पूछा जा सकता है केटल के अंदर कौन कौन आते हैं ऑप्शन के अंदर, गाय, भैंस, भेड़ या बकरी, तो सिर्फ और सिर्फ कौन आएंगे? गाय के परिवार वाले आएंगे, तो ये ध्यान रखना आपको। अब जैसे कि आपको कहते भी मानव, मानव के अंदर क्या आप भैंस को काउंट कर लोगे क्या? तो मानव का अलग से फैमिली होगी पूरी, वैसे आपके गाय का जो परिवार होगा उसको नॉर्मली हम केटल कहेंगे। तो गाय का परिवार या गाय के परिवार या केटल से संबंधित संबंधित शब्द। ये आपको हेडिंग डालनी है इसमें। देखो गाय या केटल को रखने का जो स्थान होता है वो आपका किधर गहरा का घर में? बाड़ा में रखा ना, तो बाड़ा ना अपन याद रखना बारा, बारन, बारन या फिर बायर। पहला इसमें हो जाएगा गाय को रखने का स्थान, गाय को रखने का स्थान। बाड़ों याद रखो, बाड़ा से मिला जुला वर्ड कौन सा? बारन है, ये नेट लगा हुआ यहाँ पे, ठीक है, से मत कर देना, ये बारन, बारन या फिर क्या कहते हो, बायर कहते हो आप, बारन या फिर बायर। अब गाय के अंदर देखो हेलीपैड नाम सुना है क्या? क्या होता है हेलीपैड? हेलीकॉप्टर उतारे जाते, ऐसे बनी ऑर्डर है ना बेटे,
संकेत भी हेलीकॉप्टर की उतारना यानी निमड़ा बात उठा देता। तो वो हेलीपैड जहां पे हेलीकॉप्टर उतरेगा वैसे हमें यहां पे याद रखना है पॉलीपैड। क्या याद रखना है? पॉलीपैड। अब गाय उतरेगी थोड़ी भी, वो तो जमीन पर ही है ना, लेकिन जमीन पर आपकी टिकी हुई किसके द्वारा? पोल पैर के द्वारा। और पैर के अंदर उसके क्या खुर, तो पैर के जो खुर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पॉलीपैड। लेकिन देखो घोड़े खच्चर गधा गाय और भैंस इनके खुर के अंदर अंतर आपको पता है क्या है? खुर का भी ना तो जाओ आप पढ़ना के जान का खुर है आप पढ़ना तो बता रहा हूं बता रहा है तो गाय और भैंस के अंदर देखना आप खुर गो होते हैं गो होते हैं खुर के अंदर। लेकिन आप गधे के अंदर घोड़ी के अंदर देखना कितने खुर मिलेंगे आपको? एक उर मिलेगा। हाँ एक उर वो आप किस टाइप का रहेगा? और पग कौन देखे जन थे हाल खाली बेवतन देखे भी नहीं। और भैंस के अंदर तो आप किसी प्रकार के होंगे ना, ये मोटा अलग कर दिया हमें। तो ध्यान में रखना गाय और भैंस इनके जो खुर होंगे उनको तो हम क्या कहेंगे? पॉलीपैड। खच्चर गधा और घोड़ा उनके जो खुर होंगे वो सिंगल रहेंगे तो उनको हम कहेंगे सोलिपेड। क्या कहेंगे? सोलिपेड। तो पॉलीपेड ये लिखो आप सेकेंड नंबर यहां पे। वे पशु जिनके खुर विभाजित होते हैं गाय बुबेलस बुबेलस भैंस बकरी का और किसका? भेड़। अब देखो एक वर्ड आता हमारे पास में स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स कई बार हम पर गरम ही देखो गाय या भैंस हुए बस ज्यानी बियावना ली वेदन बार नीचे नहीं बैठे करे घूमबो करे गोल गोल या बैठ रहा तो आज पाती उठ जी। तो स्प्रिंग से आपको याद रखना स्प्रिंग। स्प्रिंग को आप पास में लोगे तो आप इसको दूर हट जाएगी ना। वैसे गाय भैंस नीचे बैठी पाती कहीं उठी उबी तो बा गाय किसी गाय यानी बियावना की गाय मतलब बच्चे को जन्म देने वाली है या कुछ ही महीने में आपके ब्यूनाली है तो उस गाय के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम? स्प्रिंग्स वर्ड यूज करेंगे ध्यान में रखना। और स्प्रिंग्स को आपको किससे रिलेट याद रखना है? स्प्रिंग से रिलेटेड याद रखना है। तो आप लिखो इसमें ऐसी गाय जो कुछ ही दिनों में ब्याने वाली। हाँ ब्यौना लिख दो थे। लिखिए अब एक वर्ड और आता है इसमें डाउन कवर। भैंस ब्याह देखा देखियो लागड़ी कौन देखी कदी? ये दिनेश खुरी खान छोड़ा होला है देखो कभी भी आप देखना भैंस जब भी ब्याह ना या गाय ब्याह जाती है ना तो उस मतलब जो बच्चा होता है ना जो खुरिया खांचना पड़े ना खुरिया मतलब तो डाउन। और इसका मतलब ये ध्यान में रखना वे मादा पशु जो बच्चे को जन्म देने वाली है उसको हम क्या कहेंगे? डाउन कर।
भी आने वाली है, उसको स्पिरिट नहीं जाना, कुछ ही दिनों की बात की भी, लेकिन अब तो बच्चे को जन्म देने वाली है, वो डॉक्टर के पास लेके आई भी, अब अभी होने वाली है, आओ देखो टाइम भी पूरा हो, उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे डाउन कवर कहेंगे आप। तो डाउन कवर आपको यहाँ पे याद रखना है, वह मादा पशु जो बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो, लिख लिया ये। अगला देखो, देखो अगर मैं डायरेक्ट पढ़ा देता ना आपको सीधा सीधा, आप बोर हो जाते, हाँ तो आज कहते भाई छोटो ही तैयारी कौन कर रहा जी की चाले बात चालन दो, नौकरी नहीं लगा ठीक है पढ़ा तेरी बैठ बेटा। अब आपको ध्यान में रखना यहाँ पे बुल, और एक याद रखना आपको गाय मतलब काऊ जिसको हम कहते हैं यहाँ पे, बुल क्या होगा किसको कहेंगे, सांड को कहेंगे, मतलब इसमें हो जाएगा आपके वयस्क नर, गाय के अंदर या केटल के अंदर जो वयस्क नर होगा उसको हम क्या कहेंगे बुल, और वयस्क जो मादा होगी ना, वयस्क मादा उसको हम क्या कहेंगे यहां पे काऊ। बुल का ध्यान में रखना यहां पे वयस्क नर, और यहां पे अगला हो जाएगा काऊ का यहां पे वयस्क मादा। हम ये बता रहे बुल काफ, ये इसमें एल साइलेंट होगा, काफ नहीं कहना बुल काफ, और एक इसके अंदर होगा यहां पे आठ नंबर ऊपर कर देता हूं मैं इसको थोड़ा साइड में, एक होगा हिपर, बुल काफ और एक कौन सा याद रखना आपको हिपर। देखो इसमें लिखा है यहां पे वयस्क नर का बुल लिखा है और वयस्क मादा का हमने काऊ लिखा है यहां पे, अब बुल काफ है और एक हमारे पास में हिपर है, अब वयस्क नर से जो छोटा होगा जिसको हम कहते हैं यहां पे जवान नर, कहीं कह सका ये जवान नर ने टोगड़ो, तो वह आपके क्या होगा यहां पे बुल काफ, और हिपर होगा ये आपके जवान मादा। ये आपको वर्ड चारों ध्यान रखने हैं यहां पे, बुल का काउ का बुल काफ और एक कौन सा याद रखना आपको हिपर। लिख लिया ये, एक आपने नसबंदी नाम सुना होगा, मानो में तो नसबंदी करवाते तो वो दो टाइप की होती है, तो नर में होती है जिसको हम क्या कहते हैं नहीं पता, वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी नर नसबंदी का नाम होता है, और मादा नसबंदी का नाम होता है आपकी ट्यूबेक्टोमी जिसको मादा नसबंदी कहते हैं। वैसे सांडों के अंदर भी तो आपकी नसबंदी की जाती है, ये सरकार के द्वारा ध्यान में रखना पशुओं की जो संख्या में वृद्धि हो रही है आवारा पशुओं की, तो उन संख्याओं को कंट्रोल करने के लिए ये नसबंदी का मतलब इसमें योजनाएं चली जाती पशुओं में, पर पशुओं में जो नसबंदी होती है तो उसमें हमें गाय का एक बार ध्यान में रखना है यहाँ पे कि गाय के अंदर जो नसबंदी करेंगे या फिर जो सांड होगा उसकी जो नसबंदी करेंगे या बुल की जो आपकी नसबंदी होगी, जब बुल की नसबंदी करेंगे तो बुल से किसका निर्माण होगा नसबंदी करने से, बेल का निर्माण होता है ना, बेल और बुल में दोनों में अंतर ध्यान रखना, बुल तो सांड को कहेंगे जो आपके प्रजनन की क्रिया कर सकता है, और आपके जो बेल है वो आपकी प्रजनन की क्रिया नहीं कर पाएगा। आप कई बार देख लो मान भी खेत में अब तो हर काम ले को नहीं देखो छकड़ी आलू है, अगर सांड रहेगा तो कभी भी उसको गिरा सकता है, कभी भी भाग सकता है,
क्योंकि वो प्रजनन के लिए क्या है, सक्रिय है ध्यान रखना। ठागवन में सीमेंट और कट्टा कभी ऊंधा हो सके, लेकिन अगर उसी गुल को हमने लोक कर दिया, लोक कर दिया मतलब कुल लोक वर्ड याद रखना है, बुल लोक। तो अगर बुल के अंदर हमने नसबंदी कर दी तो वो उसको हम क्या कहेंगे, बुल लोक। और नसबंदी करने से क्या बनेगा, बेल। इसीलिए आप देख लो यहां पे जो भी आपके मतलब मजदूर आदमी होता है तो वो आपके उसको बेल ही कहेगा, सांड थोड़ी कहेगा। सांड है तो वो ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि वो गाय की तरफ, फीमेल गाय की तरफ ज्यादा आकर्षित होगा और उसको गिरा, आपकी गिरा मतलब गिरा देगा। लेकिन जो बेल होगा वो आपके दूसरों की तरफ आकर्षित नहीं रहेगा। पर हाड़ो उदो एकदम चाल बोक रहे आपके, तो उसको कहेंगे हम बुल लोक। क्या कहेंगे, बुल लोक। मतलब बुल को क्या कर दिया, लोक कर दिया, लोक कर दिया मतलब उसकी नसबंदी कर दी, तो उसको हम क्या कहेंगे, बुल लोक। तो अगला वर्ड आप लिखो यहां पे 9 नंबर, बुल लोक, या इसको स्थिर भी कह सकते हैं, स्थिर, बुल लोक या स्थिर। सांड में बंद्याकरण की प्रक्रिया, बंद्याकरण मतलब नसबंदी कह सकता हूं, बंद्याकरण की प्रक्रिया। कम से कम ये 20-25 के आसपास वर्ड आपको मिलेंगे, तो वो सारे वर्ड हमें करने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। गाय का आपको समूह पूछे तो उसको हम क्या कहेंगे, कैटल कहेंगे। गाय की दो अलग अलग हमें यहाँ पे नस्ल देखने को मिलती है, देसी और एक विदेशी। देसी नस्ल का वैज्ञानिक नाम क्या होगा यहाँ पे, बॉस इंडिकस, और विदेशी नस्ल का क्या हो जाएगा, बॉस कॉर्स। मतलब जिसमें हम्प होगा वो तो देसी, और जिसमें हम्प नहीं होगा वो कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, विदेशी हो जाएगी, ठीक है। अगला आपको लिखना है यहाँ पे काफ, काफ, बुल काफ लिखा था उसको तो हमने क्या कहा था, जवान नर। अब यहां पे जो काफ होगा उसको हम कहेंगे नवजात बच्चा। मान लो भी आपके लगभग एक दो सप्ताह का है तो उसको हम क्या कहेंगे, काफ कहेंगे। गाय का नवजात बच्चा। अब मैं आपसे यहां पे कुछ पूछना चाहता हूं, ये बुल लोक या जो स्थिर है इसको हमने क्या नाम दिया यहां पे, सांड में बंद्याकरण की प्रक्रिया। अब सांड में बंद्याकरण की प्रक्रिया क्या काफ के टाइम की जाएगी या बुल के टाइम की जाएगी, काफ के टाइम की जाएगी ना। अब बुल के टाइम तो कौन पास में जाएगा, लात्री जानो ही हो। तो इसे ध्यान में रखना, पहली बात तो आप टोकड़ो देख लो ना, तीन अवतार रहे जित लार दौड़े, याद पटक देवे नीचे एक दो ने थाम या जाए तो एक कर दो है धर्मो हली डरे ए दो तीन एक दो आर एक और कौन ही आते ही रहे। अब हांडा ठेठ भी खूना महीने आनु रसोई गुनु आनु जार होल मु बड़ बड़ी महीने हाँ गुनिया हांडा बटे मैं देखूं कुरु बटे ठेठ मुनु होल मु की बड़ नीचे नहीं उतरी मैं ठेठ बट्टे ठेठ भी घोड़ा मैंने। अब काय टाइम में नीचर है लाड दौड़ी काय बात हाँ सही बात तो ये ध्यान में रखना, पहली बात तो बुल लोक या स्त्री की जो प्रोसेस है वो जब बछड़ा या फिर जो काफ होगा ये लगभग आपके ध्यान में रखना 3-4 सप्ताह का होगा ना, तब उसके अंदर ही आपके बुल लोक या स्त्री की प्रोसेस की जाएगी। और बुल लोक या स्थिर के अंदर आप लिख लेना इसमें आगे कि भी बुल लोक या स्थिर करने से आपकी किसका निर्माण होगा, बेल का, ये लिख लेना आप बेल क्वेश्चन में। लिख लिया ये क्या बात, बेल वाला। देखो जैसे कि हमने बुल लिखा था पहले नाम, ठीक है, बुल का मतलब हो गया यहां पे सांड, और एक हमने यहां पे अब नाम किसका लिखा है, बेल का।
ये सांड आपके जनन की प्रक्रिया कर सकता है, लेकिन बैल है वो जनन की प्रक्रिया नहीं कर सकता। मतलब ये जो सांड है ना, ये ध्यान में रखना, मादा की तरफ ज्यादा आकर्षित होगा, लेकिन ये बैल है जनन की प्रक्रिया नहीं कर सकता, तो ये मादा की तरफ आकर्षित नहीं होगा। तो हमने बुल से क्या बनाया, बैल। तो उस बुल के अंदर हमने प्रोसेस कब स्टार्ट की थी, काफ के टाइम। कब स्टार्ट की थी, काफ के टाइम। कौन सी प्रोसेस स्टार्ट की थी हमने यहाँ पे, बुल लोक या स्टीर। अब बुल लोक या स्टीर के अंदर करते क्या है यहाँ पे, तो ध्यान में रखना, यहाँ पे जब हम इसके अंदर बात करेंगे, यहाँ पे आपके बुल के अंदर, तो उसके अंदर आपके जो जैसे मानव के अंदर प्रजनन तंत्र होता है ना, वैसा सेम टू सेम आपको प्रजनन तंत्र इसके अंदर गायों के अंदर देखने को मिलता है। मेल और फीमेल का सेम ही होता है, मतलब जैसे मानव के अंदर मेल का होगा, वैसे आपके गायों के अंदर मेल में देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब बुल में देखने को मिलेगा। और फीमेल का जैसे मानव के अंदर होता है, वैसे काऊ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपके जो आपके जींस को हम कहते हैं यहाँ पे शुक्र वाहिनी, ठीक है ना, उसको क्या कर देते हैं आपके, जब काफ के टाइम लगभग 3 से 4 तक होगा, उस टाइम हम क्या करते हैं, शुक्र वाहिनी को काट देंगे। अब काटने के देखो दो है इसमें प्रोसेस, एक तो वर्सल कोष को हटा देना, एक शुक्र वाहिनी को क्या कर देना, काट देना। इन दोनों प्रोसेस के द्वारा क्या करेंगे, यहाँ पे उन वर्सल को हटाएंगे या शुक्र वाहिनी को काटेंगे। तो काफ के टाइम वो प्रोसेस अपने ही हमने, तो पुल बढ़ने की जगह वो क्या मिलेगा, जब आपकी काफ 3 या 4 सप्ते का होगा तब, ये ध्यान रख। अब काफ जो मैंने वर्ड बताया है, इससे रिलेटेड एक और वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, काफ से रिलेटेड। काफ का मतलब क्या होता है यहां पे, गाय का नवजात बच्चा। अब देखो यहां पे गाय का जो नवजात बच्चा है, इसके जन्म लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, काविंग। इसमें एल साइलेंट होगा, काविंग। काफ से क्या याद रखना आपको, काविंग। इसका मतलब हो जाएगा गाय में, लिखो ये प्रसव की क्रिया, गाय में प्रसव की क्रिया। 3 और है वो बता देता हूं, बाकी हम कल करेंगे, तीनों बता देता हूं साथ में यहां पे। एक तो सर्विंग याद रखना आपको, बता दूंगा अभी है क्या। एक आपके होता है यहां पे डी बडिंग, BUDDING, डी बडिंग। सिंह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डी हॉर्निंग। एक तो सर्विंग, एक डी बडिंग, और एक कौन सा है, डी हॉर्निंग। हॉर्न का मतलब होता है सिंह, डी का मतलब डिलीट करना, तो मतलब डिलीट करना मतलब हटाना। अगर सिंह को हटा दिया तो उसको हम क्या कहते हैं, डी हॉर्निंग। डी बडिंग का मतलब ही है सिंह का हटाना। लेकिन आपने देखा होगा कि जब काफ के टाइम अब जो बछड़ा होगा उसके सिंह ज्यादा बड़े तो होंगे, छोटे छोटे से रहेंगे, मतलब तो उसको हम कहते हैं बड। बड का मतलब होता है कली का, क्या कहते हैं, कली का। तो जब काफ के टाइम उस टाइम ध्यान में रखना, एक मतलब नॉर्मली उपकरण होता है आपके इलेक्ट्रीशियन के द्वारा, एक उपकरण होता है उसको सिंह के ऊपर आपके लगा देते हैं, या फिर एक सॉल्यूशन आता है KOH का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा सा मतलब उसको रगड़ के बेमाल से, और अगर KOH का लगा देते हैं घोल उसके ऊपर सिंह के ऊपर, तो वो सिंह आगे ज्यादा विकसित नहीं होंगे। तो उस टाइम अगर हमने सिंह को हटाने की प्रोसेस की है काफ के टाइम, तो उसको हम डी बडिंग कहेंगे, और अगर बेस के टाइम हटाए तो उसको हम क्या कहेंगे, डी हॉर्निंग। ये याद रहेगा। अब एक और सा यहां पे सर्विंग,
सर्विंग को आपको याद रखना है सर्विस से, क्या याद रखना है सर्विस, सर्विस मतलब गाड़ी सर्विस, आपको यहाँ पे सर्विंग से याद रखना है यहाँ पे मैथुन की प्रक्रिया। जब यहाँ पे गाय में मैथुन की प्रक्रिया की जाती है तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, सर्विंग के नाम से जानेंगे। लिखो ये तीनों, गाय में मैथुन की प्रक्रिया, और ये आपकी डी बडिंग का हो जाएगा, छोटे पशुओं में सिंग को हटाना, और ये हो जाएगा डी हॉर्निंग, बड़े पशुओं में सिंग को हटाना। ये आप सर्विंग, डी बडिंग, डी हॉर्निंग, लगभग देखो शब्द है वो हमने रिलेट करके पढ़े अभी तक, तो एक दो बार आप पढ़ोगे खुद तो याद हो जाएंगे आपको। एक और बता देता हूं पॉइंट, वो ध्यान रखना कल के लिए एक्स्ट्रा, गाय और बकरी है ना, इन दोनों के अंदर गुण सूत्रों की जो संख्या होती है ना वो 60 होती है। कितनी होती है? 60। गाय और किसके अंदर? बकरी के अंदर। सारे पढ़ने लेकिन इन दो का एक बार ध्यान रखना, बाकी भी बताऊंगा याद करने का तरीका क्या है, आप ऐसा याद रखो इन दो के लिए। गाय और बकरी का दूध पियोगे ना आप, तो आपके फर्स्ट डिवीजन बढ़ेगी, फर्स्ट डिवीजन मतलब 60% ही तो बना रहे कॉलेज में, 60% बढ़ जाए गणा बन गया, तो फर्स्ट डिवीजन बनाना है तो किसका दूध पीना पड़ेगा? गाय। तो गाय और बकरी में ध्यान रखो कितने गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं? 60। बाकी भी पढ़ने पड़ेंगे वो हम कल बात करें, ठीक है? जैसे घोड़े में 63 होते हैं। लिख लिया ये सबने? ठीक है, फिर पढ़ लेना एक बार, इसको याद हो जाएगी आसानी से, कोई ज्यादा हार्ड है नहीं। एक बार आप पढ़ना पड़ेगा, या नहीं भी लेर बैठ जो हम घंटा दो घंटा बाद पढ़ा मत, पशुपालन बस 10 मिनट देख लो आप।